नमस्कार। सारंग इस रागम के अंतर्गत हम देख रहे हैं सारंग राग के प्रकार और सारंग राग की यह सीरीज। आज सारंग राग के प्रकारों में हम देखेंगे मधवान सारंग। इसके पहले हमने वृंदावनी सारंग के बारे में जानकारी ली, आज मधवान सारंग इस राग के बारे में जानेंगे। मध्यमादि सारंग या मधवान सारंग अति प्राचीन और अति मधुर राग है। इसका उल्लेख हमें संस्कृत के अनेक ग्रंथों में भी मिलता है। इसमें मध्यम प्रयुक्त होने के कारण मध्यमादि सारंग कहा गया है। अधिकांश संस्कृत ग्रंथों में इस राग का वर्णन हमें मिलता है। यह राग काफी थट के अंतर्गत आता है। वृंदावनी सारंग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है और मध्यमादि सारंग में केवल कोमल निषाद ही प्रयुक्त करते हैं। इस राग के दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। एक प्रकार वह है वृंदावनी सारंग को ही कोमल निषाद से गाना और दूसरा प्रकार है स्वर संगति अलग करके केवल कोमल निषाद से गाना। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि कोमल निषाद को थोड़ा सा धैवत का कण लगाकर पुरानी बंदिशें हमें मिलती है। मधवान सारंग में कोमल निषाद को धैवत का कण लगाकर बंदिशों में पुरानी बंदिशों में उसका उल्लेख है। इस राग का स्वरूप पूर्ण निर्भर है मध्यम पर और बार बार रेप संगति भी इसकी द्योतक है। सानी सारे पारे रे मा पमरे पारे सारे सा। इस तरह से रे पारे रे मा परे रे मा सारे रे परे सारे मारे सा। यह इसका स्वरूप। और अब देखेंगे इस राग की एक अति पुरानी बंदिश जो कि जपताल में निबद्ध है। Ah.
इसके बाद हम और एक सारंग का प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।